संस्कार है हम लोग जाए। जय भोलेनाथ। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ शिवम शिवा टेम्पल, ये बेंगलोर में है। एक्चुअली ये HAL रोड, ओल्ड एयरपोर्ट वाले रोड में है। तो अगर आप लोग गूगल करेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा। तो खैर कोई नहीं, तो भोले बाबा का आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग क्या ही बोले, गलत होगा बोलना, लेकिन चल रहा था। हमने सोचा कि अभी बेंगलोर में बैठे ही हैं तो चलते हैं। आज बेंगलोर का शिवा टेम्पल के बारे में मतलब बहुत सुना था, इनका स्टैचू या फिर यहाँ का जो एक्टिविटी है उनके बारे में देख बहुत सुना था। सोचा चलते हैं आज वहीं पे शूट करेंगे। और अपने जो भी हैं पब्लिक, आप भाई बंधु हो, बहन बंधु हो, जो भी, सबको दिखाएंगे। तो गाइज आ गए हैं आज हम लोग शिवम शिवा टेम्पल पे। ये जैसा कि हमने एड्रेस बताया था, और आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, इजी वे में इजीली पहुँच जाएंगे, कोई ये नहीं है यहाँ पे। तो इनके बारे में हमने सुना था। अभी देखिए साइड में बोर्ड वगैरह लगा हुआ, अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब आप इंटर करोगे तो ऐसा फील होगा कि आप गुफा में जा रहे हो, और अच्छा लगेगा देख के। और साइड साइड में ये जो बोर्ड बना हुआ है, इस पर कुछ अच्छा अच्छा कोट लिखे हुए, तो पढ़ के भी अच्छा लगेगा। जैसे ये ही आप देख लो, गॉड हैज़ टू बी रियलाइज्ड, गॉड कांट बी प्रूव्ड। सही, कितना सही है ना, बहुत सही लाइन लिखा हुआ है। पता नहीं किन्होंने ऐसा लिखा है, किनका ये है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए मैं रुक गया हूँ, और आप, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ लो आराम से। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है। वैसे मैं भरवली, सबको अभी तो आइडिया रहेगा ही इसका कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये शिव जी का ये है मूर्ति है, तो जिसका मतलब वो 65 फीट का है, मतलब बहुत ही बड़ा विशाल है। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं यहाँ पे, एंट्री करते हैं, देखते हैं कैसा है। भोले बाबा का शरण में चलते हैं, कुछ तो आशीर्वाद मिल जाए, ताकि हमारा, अब सभी लोगों का, ज़रूरतमंद का, सबका मतलब भला हो जाए, ये सोच के हमने मतलब प्लान कर लिया ऐसा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, शायद से एंट्री फी आप भी ऐसे भी जा सकते हो, बिना टिकट के भी जा सकते हो, लेकिन बिना टिकट के जाओगे तो एक बैरियर लगा हुआ है, उसके पहले से आप मतलब दूर से ही आपको दिखना होगा। अगर आप टिकट लेते हो तो अंदर कुछ एक्टिविटी है, शायद से ना 10 एक्टिविटी है, ओनली फॉर शिव दर्शन, नो चार्जेस। जैसे अभी बताया ना मैंने कि अगर शिव का दर्शन करना मतलब दूर से ही, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अभी अंदर जाओगे तो वो चार्जेस है। 150 का टिकट है, तो 150 का टिकट में ये लोग मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ देते हैं। एक्टिविटी कहने का मतलब कि मंत्र जाप वगैरह या पांच धाम। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि मतलब कि बहुत लोगों का ये होता है कि पांच धाम करना है, और जिनको नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे पांच धाम कर सकते हैं। मतलब सब चीज़ है यहाँ पे, पांचों धाम का वो क्या बोलते हैं, अमरनाथ वगैरह जो भी है उधर, तो वो है, मिल्काभिषेक कराएंगे। फिर एक मिरेकल कॉइन फेंकने का होता है कि उस पर देखिए, बोले ना कि जय। तो वही मैं बता रहा था कि एक मिरेकल कॉइन का भी ये लो एक्टिविटी कराते हैं, कि आप कॉइन में कुछ भी विश मांग लो, और वो पानी में या कुछ तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना होता है वहाँ पे डालना होता है, या फिर दिया वगैरह दिखाने का, अगरबत्ती वगैरह का, और फिर पूजा वगैरह कराते हैं। तो टोटल मतलब कि 8-10 ऐसा एक्टिविटी है जो कराते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे स्टार्टिंग इन लोग करते हैं मंत्र जाप से। मंत्र जाप में 108 रुद्राक्ष देंगे, और आपको वो डालते डालते जाना है ऑटो उसमें लोटे में। और फिर उसके बाद विघ्नहरण थ्रेड एक है, मतलब कि आप अपने भोलेनाथ की, और भोलेनाथ से मैं ध्यान ही नहीं हट रहा अभी, क्या ही बोले हम, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। बाबा आपके पास ही आ रहे हैं, आपके शरण में ही आ रहे हैं, आशीर्वाद बनाए रखिए। यही इसी लोटे की मैं बात कर रहा था, और सब पे लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो आप रुद्राक्ष मतलब डालते जाए, 108 रुद्राक्ष है, 108 मतलब लोटा है, 108 रुद्राक्ष इसमें डालना है। तो अभी आप टिकट दोगे तो टिकट मतलब एक जो आपने लिया है, तो ये देखो यहीं पे आप थ्रेड बांधने का बात कर रहा था, कुछ भी विश मांग के थ्रेड बांध दो आपको पूरा होगा। और ये बाबा जी दे रहे हैं रुद्राक्ष जैसा मैंने बताया, और आपको वन बाई वन करके आपको डालना, और मंत्र पढ़ते जाना, मंत्र वहाँ लिखा होता है। तो वो सारे लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, सारे लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज में, तो आप लीजिए। और सारा श्रद्धा वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है क्या है। तो देखिए ये इसी टिकट के मैं बात कर रहा था, और पहला जो है मंत्र जाप, ये यहाँ इस एक्टिविटी करेंगे मंत्र जाप, फिर विघ्नहरण थ्रेड वाले करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं रुद्राक्ष, और फिर चलते हैं आगे मंत्र करते हैं।
तो बने रहिए, देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब यही जाप है जो आपको करते जाना है। कहीं हिंदी में लिखा है, कहीं ये तेलुगू है, क्योंकि मुझे तेलुगू पढ़ना आता है तो मैं बता सकता हूँ ये तेलुगू में है, फिर इंग्लिश में है, ऐसा ही करके और भी लैंग्वेजेस में जो भी। तो आप ओम नमः शिवाय बोलते थे, अभी आप पूरा कर लो। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आपने जैसा मैंने बताया था कि धागा है उसमें, उसी के साथ पंडित जी देते हैं वो धागा बांध। जैसे ये एक्टिविटी करोगे आपको गणेश जी के सामने से ऊपर चढ़ के वो शिव जी के पास जाना होता है। तो यहाँ से आप करके, हमने तो धागा वगैरह बांध लिया, जो हमारी इच्छा थी, ख्वाहिश थी, वो मैंने मांग लिया। अपने दर्शकों के लिए भी बोल दिया हूँ कि भगवान ऐसा कुछ करो कि सब लोग आए आपके दर्शन में, सबका भला हो ऐसा। तो ये गणपति बप्पा हैं, इनका भी हाइट है 25 फीट, मतलब इस स्टैचू का, तो ये भी एक बहुत बड़ा ही है। देखिए मैं इसी धाम का, पांच धाम का बता रहा था, हरिद्वार वगैरह जो भी है पांच धाम। तो ये सब अंदर, मतलब ऐसा फील होगा कि आप उसी लोकेशन पे आए हो। हरिद्वार जिन लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं बना हो जाने का किसी वजह से, क्योंकि ये सारा चीज़ श्रद्धा वाली चीज़ है, आपको बुलावा आएगा तभी जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे, किसी न किसी रीज़न से आप लोग का ये हो जाएगा। तो पहला द्वार है हरिद्वार 10 स्टेप अवे, तो हम लोग का अभी हरिद्वार में दर्शन होने वाला है, मतलब हम लोग हरिद्वार में जाने वाले हैं। और ये देखिए एकदम से गुफा टाइप से, ये बहुत ही नैरो है रास्ता, ऐसा नहीं है कि अच्छा इस ये, ताकि फील हो। फिर हरिद्वार हमने क्रॉस कर लिया, ऋषिकेश में हम इंटर कर रहे हैं। देखिए ये ब्रिज भी है ऋषिकेश का, तो एकदम से मतलब थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन आपको फील आ जाएगा। और कहते हैं ना, पांच धाम नहीं किया तो क्या किया जीवन में। तो जब तक पांच धाम हो नहीं जाता है तब तक इसी को आप मान लें। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बारे में क्या ही बोलना, सबको पता ही है, भोलेनाथ सबके साथ आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए एकदम लाइटनिंग भी अंदर है ना गुफा में, तो वैसा ही है कि ऐसा फील हुआ कि हम लोग रियल वाले गुफा में आए हुए हैं। ये देखिए अभी हम लोग केदारनाथ में अंदर जा रहे हैं, केदारनाथ में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो सही है, पत्थर का सारा ऐसा नहीं है कि ये बनाया हुआ, पत्थर जैसा फीलिंग आएगा कि पत्थर है। और गुफा के एकदम पतला सा या नैरो एरिया में हम लोग घुस के जा रहे हैं, अंदर टोटली कभी अंधेरा रहेगा कभी लाइट रहेगा, जैसे अभी देखिए हम लोग अंधेरे में आ गए हैं। तो रास्ता पता चलेगा लेकिन अच्छा रहेगा, फील आएगा, एकदम नैरो जगह है तो सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि जिनको भी कभी मौका मिलता है, जो लोग अभी कभी बैंगलोर आते हैं और उनके पास अगर इनफ टाइम इन द सेंस कि अपने जो भी काम के लिए आया, अगर उससे अगर टाइम वो निकाल पा रहे हैं, लेकिन निकालना ही चाहिए, तो एक बार दर्शन कीजिए यहाँ पे। आने के बाद देखिए एकदम प्योर गुफा वाली फीलिंग है, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ, एकदम से पांच धाम का एकदम फील आ ही गया। और यहाँ से हम लोग अभी बाहर जस्ट निकल जाएंगे, पाँचों धाम का यात्रा हो गया है। तो अभी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, आगे पंडित जी मिल्का अभिषेक करा रहे हैं। अभी सब लोग दूध धारण, देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दूध सब लोग धार रहे हैं शिव जी पे। तो ये भी एक एक्टिविटी है, तीसरा ना चौथा एक्टिविटी है रहेगा ये। फिर उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद जैसा बताया था मेरा फेवरेट है, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil in you. I'm coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising.
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? बस बस बाकी और किसी को पहचानते नहीं है। नहीं बहुत सही करते हैं। जरूरी भी नहीं। जरूरी भी नहीं ऐसा यहाँ का माहौल जरूरी ना है बिहार में ले जाना। एक और देंगे ना दो है। ओ सॉरी सही बात है। लोग के सामने मैं भूल गया। ये पंडित जी अपने ही साइड के हैं, पटना के रहने वाले हैं, तो इनसे मिल के बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब उतने दूर से कोई उधर का इधर मिला है। खैर कोई नहीं, चलते भी आगे अपने फेवरेट स्पॉट वहाँ पे चलते हैं। तो फाइनली मेरा फेवरेट स्पॉट द मिरेकल स्पॉट। तो गाइज देखते हैं। एक्चुअली तब जब से सुना हूँ तब से मेरे मन में चल रहा है कि मिरेकल स्पॉट कैसा होगा। लालची मन और यहाँ पर लोग दिए दिखा रहे हैं, ये भी एक स्पॉट ही है। एक्चुअली मिरेकल और ये दिया वाली स्पॉट एक ही जगह पे है। तो मिरेकल स्पॉट का यही है कि आप दूर से थोड़ा डिस्टेंस से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उसी वहीं से खड़ा रह के देखिए भैया ने फेंका है क्या, सही जगह बैठा ना एम के पास मिरेकल कॉइन। तो अभी आप कुछ विश मांग लो और ऐसे ही वहाँ पर आप फेंक दो, मतलब पानी में ना जाए ऐसा फेंको। देखिए कितना खूबसूरती से इन्होंने फेंका है। तो वो अगर प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो फिर जो भी आपका विश है वो पूरा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो मेरा भी मन में था कि चलो करते हैं, हमने भी किया है। और ये शंकर भगवान जिनके बारे में क्या ही बोले, बहुत ही बड़ा ये स्टैचू है। फिर यहाँ से देखिए कितने लोगों ने मतलब कि सिक्का आजमाया है। जो लोग आए सब लोग मतलब टिकट वाले सबको तो फैसिलिट करा ही गया होगा कॉइन, तो सबने किन्हीं लोगों का पानी में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग का प्लेटफॉर्म पे ही रहता है। तो और चूंकि कॉइन पे ज़्यादा ना हो जाए और कॉइन से कॉइन टकरा के पानी में ना चला जाए, इसकी वजह से क्या क्या बीच में इन लोग यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग थोड़ा साफ कर देते हैं प्लेटफॉर्म को, कि ताकि लोग जो भी आए अपना विश मांग के अच्छे से कॉइन फेंके तो प्लेटफॉर्म पे ही रहे। तो ये चीज़ का इन लोग बड़ा ही ध्यान रखते हैं। फिर फाइनली वहाँ से निकल गए हैं कॉइन लक आजमाने के बाद, दिए दिखाने के बाद। और यहाँ से अभी हम लोग अगरबत्ती लेंगे, अगरबत्ती दिखाने का भी एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगरबत्ती लेके सामने से और फिर हम लोग सामने वो शंकर भगवान के सामने जो हाँ देखिए देख रहे हैं यहीं पे हम लोग अगरबत्ती लगाएंगे। लेकिन इसका एक बड़ा ही बढ़िया चीज़ है जो कि पत्थर पर लिखा हुआ टाइल्स पर मैं पढ़ूँगा अभी। ओम नमः शिवाय, लेट द फ्रेग्रेंस ऑफ योर लव एनरिच योर लव्ड वंस लाइफ, लाइट एंड अगरबत्ती फॉर समवन यू लव। कितना सही होता है ना, मतलब कि अभी तक मैं चलिए बताता हूँ। पहले यहाँ से ये बहुत ही सही फ्रेम इनका आ रहा है, इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, लिंक डाल दूँगा बायो में, आप लोग देखिएगा। तो मैं इसके बारे में बोल रहा था जो भी टाइल्स पे कोट लिखे हैं इन्होंने, बहुत ही सही लिखा है। साइड हट जाओ, वीडियो बना रही है। साइड हट जाओ।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी तक हम लोग अभी पूजा वगैरह या अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं खुद के लिए ही जलाते हैं, ठीक है, अपने उस जलाते हुए दुआ किसी के लिए मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं किसी और के लिए जो अपने लॉर्ड वन के लिए जलाए, ऐसा मतलब मेरे दिमाग में कभी तो आया नहीं, शायद और लोगों का आया होगा, मेरे दिमाग में तो नहीं आया। कि यार वहाँ से अगरबत्ती दिखाने के बाद ये लास्ट में यहाँ पे आए और यहाँ पे नवग्रह का करेंगे लोग, नवग्रह की पूजा, ताकि सभी ग्रह अच्छा रहे। और हमारा तो पूजा बड़ा ही मतलब अच्छे से हुआ। इसमें क्या है कि वो पंडित जी वही थे जो हमने बताया था बक्सर वाले, तो उन्होंने आया और अच्छे से पूजा करा दिया, तो उतने लोग भी नहीं थे, अभी तो लोग आ गए जो। तो देखिए कैसे सर से अपना मतलब जो भी है नक्षत्र या नज़र वज़र जो भी होगा हटा के लोग फेंकते हैं। तो फाइनली ख़त्म ही हो गया है ये शिवम शिव टेम्पल का दर्शन हो गया है, और अभी यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे, जो भी दर्शन होना था अच्छा लगा, मन शांत हुआ, पहले भी शांति था हमारा लेकिन अच्छा लग रहा आने के बाद, मतलब पॉजिटिव वाइब्स कम्प्लीटली ऐसा। अरे आंटी गिर गई, पैर स्लिप कर गया होगा, पानी होगा इसकी वजह से। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, अभी जाएंगे बाहर की ओर। तो एक ही चीज़ बोलेंगे, जो लोग भी ये वीडियो देखे हैं या जो लोग नहीं भी देख पाए हैं, अगर जो लोग देख लिए हैं एक बार ज़रूर आइए इधर, मतलब कि आपको आने से पहले वाले आप और आने के बाद वाले आप दोनों में आप खुद डिफरेंस फील करोगे, अच्छा लगेगा, खुद में ही खुशी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब रहेगा। तो वहाँ से हमने जूता कलेक्ट कर लिया, जूता पहन के फिर वापस अभी बाहर निकलेंगे। और देखिए बाहर निकलते टाइम पे अभी यहाँ पे है छोटा सा एक मार्केट टाइप से, अंदर में ही है, अभी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, अंदर में ही है। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि कहीं किसी भी धाम पे आप जाओ तो कुछ तो ले लो, खाली हाथ ना जाओ। तो अपने मन के हिसाब से जो भी आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टैचू है तो वो ले लो, या फिर प्रसाद वगैरह भी है वो ले लो, या बच्चों के लिए कुछ खिलौना ले लो, क्योंकि बच्चों लोगों को तो यही पसंद है, कच्चा धागा सूता वो ले लो, कुछ भी ले लो जो भी आपको पसंद है, खाली हाथ ना जाओ। इससे बच्चे भी खुश होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, और तो और कि जो लोग यहाँ बेच रहे हैं उनके लिए भी कुछ तो हो जाएगा, बैठे होते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि लोग लेंगे। जूस कॉर्नर भी है कि जिनको कुछ चाहिए खाने पीने का वो भी है। तो आप धाम जाइए तो अच्छे मन से जाइए, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास वाले सारे लोग खुश रहें आपसे। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।